अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का किया सम्मान। रिंगस कस्बे में शुक्रवार को अगस्त क्रांति को लेकर जिले के एकमात्र बचे हुए स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का उनके निवास पर सम्मान किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि सम्मान करना तो होना ठीक है, लेकिन जिस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी अभी तक वे यह सपना ही है। जैतसर में सुबह पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरिशंकर राजौरिया व पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत ने कालिदास स्वामी का सम्मान करते हुए बताया कि ऐसे लोगों की वजह से ही आजादी की लड़ाई मजबूत हुई थी। स्वामी को माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। बता दें कि 95 वर्षीय कालिदास स्वामी ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया बल्कि गरीब मजदूर तबकों को उनका हक दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ते हुए सपना देखा था सभी के पास रोजगार हो, सभी को समान अवसर मिले, कोई छोटा या बड़ा नहीं हो, लेकिन आजादी के 70 साल हो जाने के बाद उस सपने को पूरा नहीं होना तकलीफ देता है। युवाओं को नई ताकत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी ने आंदोलन के दौरान के कई किस्से भी सुनाए। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर राजौरिया, पार्षद अमित कुमावत, लोकेश कुमावत, पार्षद बाबूलाल राजौरिया, अमित जाटावत, रामनारायण कुमावत, मोहनलाल, भोलूराम, भानु प्रताप राजौरिया, बनवारीलाल, कालूराम, केदारमल कुमावत व सांबरमल कुमावत सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। रिंगस से गजानन कुमावत की रिपोर्ट।